वेलकम टू गजल गाइस। गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आई एम गुड। आपको मैं रूरल एरिया भी दिखाऊंगा, आपको मैं ओल्ड सिटी भी दिखा सकता हूँ, तो चलो। न्यू सोसाइटीज बन सरसों का ऑयल, जिसको मस्टर्ड ऑयल कहते हैं। ये एक लोकल शॉप है जिससे अभी मस्टर्ड ऑयल लिया है, और साथ ये चक्की सी बनाई हुई इन्होंने गंदम के लिए। दोस्तों ये जो मैंने को बताया रूरल एरिया में मैं आया हूँ, तो यहाँ पे ज़्यादा तरह तरह के एनिमल्स, अभी एनिमल्स शुरू हो चुके हैं, गाय भैंसे गधे वो खोता, और फसलें स्टार्ट हो चुकी हैं। और ये जो जगह है यहाँ पे अभी ये एक आएगा, एक नाला कहते हैं, ये नहर हो, एक ये नाला है। अब उसके बाद फिर आगे ये जो रोड जा रही है ये दरिया वाली साइड पे जा रही है। सो यस, एक ज़माने में भेरे बहुत सैलाब आता था, हर साल सैलाब का दिन होते थे, जो जुलाई अगस्त में सैलाब आता था, तो इन्होंने ये फिर सारा बंद बना दिया इस नाले के ऊपर। इस नाले के थ्रू सैलाब आता था और पानी पूरे शहर के अंदर आ जाता था, क्योंकि जब ये बंद बन गया उसकी वजह से काफ़ी कंट्रोल हो गया चीज़ें। ये देखें फसलें, ये हम लोग आउटस्कर्ट्स में हैं बेरा के, इसको कंट्री साइड कह सकते हो। छोटे मोटे घर हैं बने हुए और फसलें होंगी ज़्यादातर आपको नज़र आएंगी। This is real Punjab culture. Central Punjab का real culture जो है ना वो ये है। Doesn't matter where are you living, ठीक है? This is your roots basically. Lush green. दोस्तों ये है पॉटरी, ये जो कुम्हार होते हैं यहाँ पे, आप ये देखें ये बर्तन बना रहे हैं इस चीज़ के अंदर ये, और ये बहुत पुराना बहुत फैसिनेटिंग किस्म का काम है। अभी ये जो बनाना शुरू करें तो इनका ऐसा रहता है, बंदा दिल कहता है बस बंदा देखता जाए, और ये इन्होंने पॉटरीज ऑलरेडी बना चुके हैं ये इस चीज़ का, ये पॉट्स को। वो पीछे ट्यूबवेल, ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत सरीन, बहुत काम। यू एंड योर टू खोते, टू एंड एक है, एक ही खोता है, छोटा सा खोता उधर है। सगा जी एक स्पेशल मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, जिससे ये बर्तन बनाए जाते हैं। ये अभी बांधे हुए, अभी ये गीले हैं, जब ये सूखेंगे तो ये फिर ऐसे या ऐसे इनकी शक्लों में पक्के हो जाएंगे। चले दोस्तों, ये गंदम की फसल है, भी ये अभी सब्ज है, और इस पे थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे जैसे धूप चढ़ेगी गर्मी होएगी ये अपना रंग यहाँ से पीला सुनहरी कर देगी। आप देख सकते हो, वाह,
ब्यूटीफुल। वो देखें जहाँ तक नज़र जाती है आपको ये गंदम की फसल नजर आएगी, क्योंकि ये मौसम है। अब जैसे जैसे गर्मी पड़ती शुरू हो जाएगी, पड़ना शुरू हो जाएगी और ये अपना रंग चेंज करेगी और फिर इसके अंदर से सिट्टे से निकलेंगे छोटे छोटे बीज निकलेंगे, जिसको आप पीस के आप रोटी खाते हो। ये आपके सामने वो जो मंदिर है, मैं इसका कोई डिटेल में नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरे लास्ट ब्लॉग में जो है ये आपने आप कभी आप बहुत नीचे जाओ, मैं एक बार पहले फिर आया था, मैंने स्पेशल इस मंदिर की मैंने पूरी डिटेल बताई थी और गया था मैं इधर। दोस्तों ये अमरूद के बागात, ओए होए होए होए, फैसिनेटिंग, सो फैसिनेटिंग। इसमें भी अमरूद शमरूद है, मौसम है खत्म हो गया या शुरू हुआ है? ये देखें यहाँ पे अभी इन्होंने शुरू किया है, यहाँ पे कोई ना कोई फसल लगाएंगे। वाह, एक नेचुरल दे रहा है ये, कंदम लगी हुई और वाह, ना डेरे वाले हैं ना कोई और बात है, ये वाकई वैसे ही देखो कितने फैसिनेटिंग लग रहा है ये दोस्तों। लेकिन रात के वक्त देखो कि क्या हाल होगा यहाँ, ना बंदा ना बंदे के साथ। सो दोस्तों मैं आपको बताना चलूं, मैं इस वक्त ऑब्वियसली फील्ड्स में खड़ा हूँ, एक कल्चरल लैंड के अंदर खड़ा हूँ, सेंट्रल पंजाब में खड़ा हूँ। और सेंट्रल पंजाब की बात की जाए तो इनके टप्पे माइए तो बंदा कभी फॉरगेट कर ही नहीं सकता, ठीक है। और इसके लिए एक ख़ास बंदा है मेरे पास जो कि दो बोल सुनाएगा मेरे चैनल में आप लोगों के लिए। चलो गला तो रस्सा मेरा माही वदे ओ साडे नाल शरीका लाई वदे ओ साडे नाल शरीका लाई वदे ओ केड़ी गल्ला तो रुस्सा मेरा माही वदे ओ साडे नाल शरीका लाई वदे ओ साडे नाल शरीका लाई वदे ओ जे हो गई है गुस्ताखी दे ओ अल्लाह दे ना ते माफी ओ चिड़ियां दा डार बनाई वदे ओ चिड़ियां दा डार बनाई वदे ओ साडे नाल शरीका लाई वदे ओ दिल दिया है जान भी देंगे ऐ सनम तेरे लिए सबसे पहले तू है तेरे बाद हर एक नाम है तू मेरा आगाज है तू ही मेरा अंजाम है अंजाम है हम जिएंगे और मरेंगे ऐ सनम तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ सनम तेरे लिए तो रुस्सा मेरा माही वदे ओ केड़ी गल्ला तो रुस्सा मेरा माही वदे ओ साडे नाल शरीका लाई वदे ओ साडे नाल शरीका लाई वदे ओ जे हो गई है गुस्ताखी ओ दे ओ अल्लाह दे ना ते माफी ओ चिड़ियां दा डार बनाई वदे ओ चिड़ियां दा डार बनाई वदे ओ तो जैसा कि आपको मालूम है पाकिस्तान में 75-80% जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है और ये मुल्क ही एग्रीकल्चर मुल्क है। इसकी जो ये करते हैं इन्हिसार करते हैं ये एग्रीकल्चर पे करते हैं। तो आप देख सकते हो लैंड ऑल द वे, ठीक है। लेकिन ये है कि इनके पास कोई बहुत जदीद चीज़ें नहीं हैं जिससे ये
खातर खा फायदा उठा सकें। हम गंदम बहुत ज़्यादा हम पैदा करते हैं, बट वो किधर जाती है, इतनी महंगी क्यों हो जाती है, एक्सपोर्ट होती है, किधर होती है, नोबडी नोस। जानते सब हैं बट बोलना कोई नहीं चाहेगा, ठीक है। तो इसके साथ ही आपको मैंने ये दिखाया, थोड़ा ज़री इलाका दिखाया, थोड़ा भेरे से थोड़ा सा जो हटके जो जगह हैं वो दिखाई थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो दो में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन एंड डू व्हाटएवर यू वांट। माय लवली फ्रेंड।